ने आपके जन्मदिन साथ में था, बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया सेलिब्रेट है। किया। तो क्या आपको कुछ हृदय से कहना? धन्यवाद और बधाई, चलिए क्योंकि आपने तो मुझे हमारे यहाँ बुलाया, और आपके लिए मैं हृदय से धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। मैं इस काबिल नहीं था, लेकिन पत्रकार जी ने मुझे यहाँ पे बुलाया, आपके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और आभार। चलो हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहोगे? आज आपका मैं जन्मदिन है, क्योंकि आज आपका जन्म दिवस है, तो हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ आपकी तरफ से मैसेज, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हो, काफी समय से आप समाज में के अंदर रह करके समाज के लिए आप कार्य कर रहे हो, और आज जी आपने एक अलग अंदाज से कहें जी अलग ही अंदाज से आपने जी सेलिब्रेट किया है अपने जन्मदिवस को, तो हमारे दर्शकों के लिए दो शब्द। सबसे पहले मैं आपके न्यूज चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल तुच्छ क्वालिटी का व्यक्ति यहाँ पे आपने बुलाया हूँ। वो आपका हृदय से धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। कोई बात नहीं महोदय जी, हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसा मैसेज, आपके दर्शकों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ, और हमारा छोटा फंक्शन राष्ट्रीय महाराणा प्रताप युवा सेना, जो मैंने 2 साल से बिल्कुल बिल्कुल ही 0/0 पे कर रखा था। क्यों कर रखा था, लेकिन क्या कारण रहा ऐसा? ये मेरा काफी समय से जी बड़े उसकी तरफ था, ऊंचाइयों की तरफ था, काफी प्रयास भी किए आपने, काफी सराहनीय कार्य भी किए, ऐसा हुआ सर मेरा व्यक्तिगत कारणों की वजह से। अच्छा, क्योंकि मैंने 2 वर्ष थोड़ा विराम दिया है संगठन को, वो मेरे व्यक्तिगत कारण थे, लेकिन मैं 3 वर्ष के बाद में अपने संगठन को बुलंदियों पर ले जाना चाहता हूँ, और वो जो मीडिया हमारे मीडिया के बंधु है उनके जरिए से ले जाना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मेरा एक सवाल और, आपने बहुत बहुत धन्यवाद आभार कई शब्द आपने प्रयोग किए, तो मैं जैसे आपने जन्म दिवस सेलिब्रेट किया, थोड़ा सा आगे आइए, कैमरा मैन भाई साहब थोड़ा स्वागत करो, जिसमें केक काटा था आपने, कृष्णा भाई थोड़ा सा और आप भी इधर आइए, ये केक काटा ये बताइए, एक तरीके से परंपरा चली आ रही है कि केक को काटते जी उसे खाते जी, लेकिन केक को काटा फिर ऐसे कपड़ों पर मुंह पर, ये क्या कुछ परंपरा है इसके बारे में थोड़ा? मैंने पहली बार मैंने देखा, फोटो में देखा है, लेकिन कई बार पहली बार मैंने रियल तरीके से देखा कि वाकई में इस तरीके से होता है। मैंने तो समझा कि शायद फोटो खिंचाने के लिए लोग इस तरीके से लतपत कर लेते हैं, चाहे वो क्या कुछ है, और ये स्वाफा एक तरीके से जो पुरानी परंपरा चली आ रही है, राजशाही परंपरा चली आ रही है काफी समय से, तो इस पगड़ी को बांधते हैं, इसका काफी महत्व होता है, लेकिन उसके साथ साथ इस तरीके की हरकत, इसे हरकत ही कह सकते हैं, तो इस तरीके से मुँह पे लीपा पोती, ये क्या है, ये से नहीं समझ पाया मैं। सर मैं तो केवल ये कहना चाहूंगा, ये जो स्वाफा का आपने सवाल किया है, ये तो हम राजपूत है, स्वाभाविक राजपूत है, बिल्कुल राजपूतों का पहनावा है, स्वाफा मैंने पहना है, लेकिन और दूसरी बात ये देखो, ये कर लेते हैं कपड़ों को बिगाड़ लेते हैं, मतलब अपने अपने कई साथी थे उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, ये तो और हाँ एक तरीके से एक चीज और समझिए, जिस तरीके से ये आपने पढ़ना, क्योंकि आज जो है आपका जन्म दिवस था, बिल्कुल ये जोकरों वाला ये क्या सिस्टम है आपकी बर्थडे वाले? नहीं नहीं सर देखो, मैंने ये तो अपने सर पर नहीं बिल्कुल नहीं लगाया, ऐसे क्यों लगाते हैं? मैंने इसका ये तो जोकरों वाला नहीं, जोकरी तो लगाते हैं इसे, बिल्कुल लगाते हैं सर, तो मतलब क्या कहोगे इसको लेके? लेकिन सर ये तो खुशी का प्रतीक है, पहली बात खुशी का प्रतीक है, वैसे जोकर भी तो दूसरी बात है, हाँ बिल्कुल लगाते हैं, लेकिन दूसरी बात मतलब आप क्या कहेंगे, जोकर खुद उदास होकर बनते हैं दुनिया की खुशी करते हैं, मैं जातिवाद नहीं करता, लेकिन जब राजपूत समाज की बात की जा रही है, तो छत्रियों की जब बात की जा रही है, तो ये जोकर ही तो है हमारे लिए, नहीं क्या है सर, क्या ये जोकर नहीं है सर, इसको लेके क्या कहोगे? सर मेरी बात सुनिए, जोकर लगाते हैं वो खुशी के लिए लगाते हैं, लेकिन हमें जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे भाई हैं सारे, वैसे लगाना नहीं चाहिए इस तरीके से, स्वाफा पहन रखा है ना, इस तरीके से इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो हमारे दर्शकों के लिए कहो कि इस तरीके का प्रयोग जो भी क्षत्रिय समाज से है, तो इस तरीके से जोकर वाले इसको ना लगाएं। बिल्कुल सर, मैं संपूर्ण क्षत्रिय समाज के लिए कहना चाहता हूँ कि जोकरों वाले को टोपी है वो नहीं लगानी चाहिए, स्वाफा है स्वाफा राजपूतों वाला, स्वाफा पहनना चाहिए जी जी। केक को खाते हैं, ये खाने के लिए केक है, ये खाने के लिए है ना, मैं खिला रहा हूँ आपको। सर मैंने बिल्कुल नहीं खाई, मैंने तो बिल्कुल नहीं खाई, केक कटा तो नहीं खाना पड़ेगा ना आपको, बिल्कुल नहीं मैंने तो खाना पड़ेगा नहीं, नो नो नो, तो मैं ये लतपत वाला, ये बताइए लतपत वाला इसके लिए भी कहो, जो देखिए अब तक ठीक है, कोई बात नहीं, मॉडर्नाइजेशन के दौर में ऐसा कुछ होता है, लेकिन अब हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनसे कहिए कि इस तरीके की हरकत बिल्कुल ना करें। महोदय जी मैं केवल आपसे एक, आप उन दर्शकों के लिए कहिए कि इस तरीके की हरकत कतई ना करें, क्योंकि
महोदय जी महोदय ठीक है फोटो खिंचाना आपको चाहिए लेकिन इस तरीके से इसको इसको जितने भी लोग खाएंगे महोदय जी महोदय जी आपने कम से कम 100 सवाल किए जी जी लेकिन एक सवाल मेरा भी सुनना बिल्कुल चाहिए देखिए आपका मैं बिल्कुल समझूंगा लेकिन इस पर स्पष्टीकरण कीजिए आप बिल्कुल जोकर वाले इसमें आपने स्पष्टीकरण किया कि इसको बिल्कुल कतई ना लगाएं आप ठीक है मैं आपको स्वापा पहना हुआ है तो इसको बिल्कुल ना लगाएं मैं आपके सामने स्पष्टीकरण करूंगा बिल्कुल इसका स्पष्टीकरण होगा इस तरीके की हरकत कतई ना करें 100% श्योर है बताइए मोदी जी ये जो केक होता है 1 पाउंड का होता है ये मंगाया हमने ये मंगाने के बाद में एंजॉय के लिए ऐसे लगा दिए इसे लगाना नहीं चाहिए ना मुझे नहीं पता था कि फिर मुझे खाद्य सामग्री है ना ये खाने के लिए मोदी जी मुझे जितने भी साथी हैं हमने बड़े अच्छे तरीके से हमने इसे खाया मोदी जी मजा आया जी आनंद के साथ सेलिब्रेट किया लेकिन इस खाद्य सामग्री को इस तरीके से व्यक्त करना महोदय जी मुझे नहीं पता था कि मेरे साथी लोग इसको लेके आ रहे हैं और उसमें थोड़ा सा जो होता है ना ऊपर वाला मेरे मुंह पर लगा रहे हैं ये इनका प्यार है और प्रेम है मैं इनके प्यार के और प्रेम के लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करना चाहता हूँ नहीं बिल्कुल मैं ये संदेश देना चाहता हूँ आपको केक है जो अपना वो मुंह पे नहीं लगाना चाहिए और बिगाड़ना नहीं चाहिए जो गरीब हमारे व्यक्ति हैं गरीब लोग हैं हाथ जोड़ के उनको वितरित कर देना चाहिए जो मेरे मुंह पे लगा ये भी गलत है बिल्कुल गलत है ना मैं संदेश देना चाहता हूँ कहना चाहूंगा जो की आजकल बर्थडे मनाते हैं लेकिन इस तरीके की हरकत करने से हरकत ही करूंगा बहुत ज्यादा ये हरकत होती है इस केक को अरे बच्चों में वितरण कीजिए खाने के काम आएगा ये खाने वाली खाद्य सामग्री है खाद्य पदार्थ है ऐसे हम इस तरीके से लथपथ करते हैं कपड़ों को भी बेकार करते हैं और फिर अपने चेहरे को भी बताइए तो हमारे भरत भाई ने बहुत रक्षा का ये जोकर वाले इस पे क्योंकि स्पष्ट तरीके से इस पे और इस तरीके से ये हो रहा है ये बहुत ज्यादा गलत है ना इसको लगाना चाहिए सबसे लगाना चाहिए ना भरत भाई चेहरे को साफ करके दिखाई कैमरे के सामने बिल्कुल गलत किया ये लोग बहुत ज्यादा गलत किया लोगों ने तो व्रत भाई आपके लिए लेकिन ये गलत है ये जोकर वाली है सबसे राजपूताना पहनावा जो राजपूत समाज के लोग हैं वो साफा पहने इस जोकर वाली टोपी को नहीं लगाए बिल्कुल भी और ये केक है हमारी केक इसे यहाँ काटने के बाद में जो गरीब है हमारे भाई इसको खाएं इस तरीके से खाएं इसे खाएं मैं चाहूंगा लो देखिए इसे खाएं ऐसे खाएं इस तरीके से खाएं लेकिन स्पष्ट जो कि युवा आजकल इस तरीके से हरकत करते हैं और सोशल मीडिया बड़े अच्छे तरीके से फोटो को डालते हैं ये हमारे भाई साहब पत्रकार जी युवा साथी हैं हमारे इन्होंने मुझसे बहुत ही अच्छे सवाल किए हैं मैं इनका हृदय से धन्यवाद कोई बड़ा सवाल और जल्द से धन्यवाद करना चाहूंगा कोई सवाल जवाब नहीं अरे नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल एकदम मुझे जाय सवाल पे सवाल नहीं चुभा मुझे इनके सारे सवाल अच्छे लगे और आज एक मैसेज भी गया युवाओं को क्योंकि काफी समय से मैं इंतजार कर रहा था मैं युवाओं के लिए एक संदेश और देना चाहता हूं जो हमारा फंक्शन बहुत दिन से डंपता राष्ट्रीय महाराणा प्रताप युवा सेना वो आज 14 अक्टूबर के बाद में मेरे 2 वर्ष बाद ये अनाउंसमेंट कर रहा हूँ 1 वर्ष के बाद में ये संगठन संपूर्ण उत्तर प्रदेश में फैलना चाहिए ये मेरा वादा है और मैं ये कहना चाह रहा हूँ अपने पत्रकार महोदय जी से कि आपकी कलम की स्याही सूखनी नहीं चाहिए बिल्कुल नहीं सूखेगी जब तक हमारे आप संघर्ष कीजिए समाज के मुद्दों को उठाइए गौशालाओं को जब तक हमारे राष्ट्रीय महाराणा प्रताप युवा सेना कार चलता रहे आपके कलम की स्याही नहीं सूखेगी बिल्कुल नहीं तो हमारे संगठन की युवाओं की ताकत नहीं सूखेगी बिल्कुल ऐसा मेरा वायदा है मैं आपसे कह रहा हूँ आज मैं आपसे संपूर्ण राष्ट्रीय महाराणा प्रताप युवा सेना की तरफ से कह रहा हूँ महोदय जी हमारे जो कार्य वो कभी जीवन में सुखेंगे नहीं लेकिन आपके कलम की स्याही नहीं सूखनी चाहिए नहीं हमारे कलम की कोई स्याही नहीं सूखेगी बस आप संघर्ष कीजिए समाज के मुद्दों को उठाइए महोदय जी पिछली बार आपने गौशाला का मुद्दा उठाया तो बताइए आपके साथ थे नहीं थे महोदय जी ये तो आपको पता है संघर्ष किया था आपके साथ में किया था लेकिन समाज के जो मुद्दे हैं वो छूटने नहीं चाहिए महोदय जी का कार्य होना चाहिए महोदय जी ये तो आपको पता है मैं धरातल पर ही केवल 2 वर्ष के लिए डंप हुआ था क्योंकि मेरे व्यक्तिगत कारण थे लेकिन फिर दोबारा आज मेरा बर्थडे था आज मेरा 31 जन्मदिन था लेकिन
आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, आज मुझे इतनी शुभकामना प्रेषित हुई है कि मेरी आंख नम हो गई और जो फेसबुक का जो लाइक का बटन था वो भी बंद हो गया और शेयर का बटन था वो भी बंद हो गया। शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। लेकिन शुभकामनाएं, बस आप संघर्ष करते जाइए, कल से आपके मुद्दों को उठाइए, कल से मेरी शुभकामना आपके साथ है, कल से मेरी वही समाज सेवा चलेगी बिल्कुल, वो निरंतर चलती रही थी बिल्कुल आपकी और समाज सेवा चलेगी। और एक वर्ष के बाद में वही राष्ट्रीय महाराणा प्रताप युवा सेना बुलंदियों को छूमेगी, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा संगठन होगा, ऐसा हमारी है शुभकामनाएं। मैं आपसे कह रहा हूँ बिल्कुल, फिर मिलेंगे भरत भाई से बिल्कुल। जय भवानी।